हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बग्या। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बारिश के ऊपर है कि बारिश जो है वास्तव में हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, और ख़ास तौर से जो लोग टेरिस गार्डनिंग करते हैं उनके लिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बारिश जो है बहुत फ़ायदेमंद होती है और बारिश जब आती है तो पेड़ पौधे बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं और तरोताज़ा हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर जो है बारिश में जो है बहुत सारे लोगों का बहुत सारा नुकसान भी होता है। तो किस तरीके से आप बारिश का ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं और नुकसान कम से कम हो, तो कैसे आप गार्डन को मैनेज करें, आज का वीडियो उसी टॉपिक पर होने वाला है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, तपती हुई गर्मी के बाद जब झमाझम बारिश होती है तो हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगने लगते हैं और लहलहा उठते हैं। लेकिन यही बारिश जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो गमले में जिन लोगों ने पौधे लगा रखे हैं तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, या जिस जिस एरिया में पानी जमता है उस जगह पर जो भी पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। दोस्तों, इसी पर आज का ये वीडियो होने वाला है हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में, और मुझे उम्मीद है आज का जो ये वीडियो है आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। दोस्तों, सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पौधे हमारे किस हालत में हैं, और इस समय जबकि बारिश का मौसम चल रहा है काफ़ी दिनों से, तो ऐसे में पौधों की हालत क्या हो रही है। दोस्तों, कुछ पौधे तो मेरे जो है बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ भी उनमें हो रही है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जहाँ पर के जो है बारिश का पानी नहीं सूखने की वजह से नुकसान भी हो रहा है। दोस्तों, बारिश का पानी तो अच्छा है, बहुत अच्छा है पेड़ पौधों के लिए, लेकिन तब तक अच्छा है जब तक कि बारिश का जो पानी है वो आपके पॉट में ना जमे। अगर लगातार जो है बारिश नहीं रुक रही है और पॉट में जो है पानी जमा हुआ है या उसका गीलापन कम नहीं हो रहा है, तो ऐसे में जो है पौधों में बहुत सारे जो प्रॉब्लम है वो हमें दिखाई देती है। दोस्तों, ये जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब जो है फल फ्रूट के पौधे हैं, सभी के सभी यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से देखिए, इस तरीके से जो गमले हैं लगभग 11 इंच के गमले हैं, कोई कोई 12 इंच का है, तो इसमें ये पौधे लगे हुए हैं। इसके अलावा ये जो थर्माकोल के बॉक्स देख रहे हैं तो इसमें भी जो है इसी तरीके से जो फलों के पौधे हैं वो लगे हुए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे फलों के पौधे मेरे पास है, लगभग लगभग 100 जो फल के पौधे हैं वो मेरे पास है, और इसमें जो है आप देख सकते हैं फल फ्रूट भी आ रहे हैं। ये जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे एक माल्टा है या स्वीट माल्टा आप कह सकते हैं वो है, तो इसी तरीके से जो है यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भी यहाँ पर जो है हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिसमें कि फल फ्रूट हो भी रहे हैं। यहाँ पर मैं अगर इस पौधे को दिखाऊं तो ये गुआवा की एक वैरायटी है, देखिए फल बन रही हैं, यहाँ जो है बन चुके हैं, ग्रोथ लेना स्टार्ट कर दिया है और ये इस पॉट में है। तो यहाँ पर इस पॉट की बात करूँ तो पौधे की देखिए ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और इसमें बहुत सारे पत्ते हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है कि इसमें जो भी पानी आ रहा है बारिश का तो बहुत जल्दी जो है ये पौधा ऑब्जर्व कर ले रहा है और पॉट जो है सूखा सूखा रहने लगा है। इसमें जो है अगर बारिश किसी दिन नहीं हो रही है तो मुझे पानी भी इसमें रेगुलरली डालना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। और जो भी पॉट इस तरीके के हैं जिसमें कि इस तरह का पॉट जो है थोड़े से सूखे हुए लगते हैं या पानी बहुत जल्दी सूखता है, तो ऐसे पौधे जो है ज़्यादा अच्छे रहते हैं। यहाँ पर जितने पौधे आप देखेंगे बहुत अच्छे कंडीशन में है। वहीं पर जो है देखिए दोस्तों, नींबू में जो है पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, और वहीं पर ये वाला जो नींबू का पौधा है मैं अगर आपको दिखाऊं तो नीचे देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल जो है पानी काफ़ी ज़्यादा जमा हुआ लग रहा है, काफ़ी दिनों से इसी तरीके से जमा हुआ है। हालांकि मैं पानी इसमें नहीं डालता, फिर भी जो बारिश का पानी है वो सूख नहीं रहा है, और फिर थोड़ा सा कीड़े मकोड़ों का भी अटैक जो है इसमें होने लगा है। इस समय जो है सुंडी वगैरह का अटैक होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो एक तो जो है मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जिस भी पौधे में इस तरह की दिक्कत हो कि पानी नहीं सूख रहा है, तो सबसे पहले तो उसका जो ड्रेनेज है उसको आप चेक करें, नीचे से कुछ पेचकस वगैरह से जो ड्रेनेज वगैरह है तो उसको आप सही कर दें।
और दूसरी चीज़ ये है कि ऊपर जैसे इस तरह की मिट्टी है उसमें थोड़ी सी जो निराई गुड़ाई है अगर आप उसको करेंगे जब भी सूखा हुआ थोड़ा सा मौसम होगा तो ऐसे में जो है ये पानी बहुत जल्दी सूखता है, तो ऊपर से हल्की निराई गुड़ाई आप कर सकते हैं तो ऐसे में पानी जो है हवा लगने से सूख जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है ये वाला सूखा हुआ है पॉट हमारा, तो ये पौधा जो है काफ़ी अच्छी हालत में है। इसी तरीके से इधर इधर जो कुछ पॉट है तो देखिए काफ़ी गीला गीला नज़र आ रहा है, तो इन सब में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल इस समय जगह नहीं है। आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन का काम जो है होना है, एक छत हमारी पूरी टूटी है, इस वजह से जो पेड़ पौधे हैं वो एक जगह आ गए हैं, तो मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है कि इनके केयर करूं, और दूसरी जगह रखने की जगह भी नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी सी तो दिक्कत इस साल रहेगी। और कोशिश मेरी चल रही है फिर भी कि पौधे जो है सही सलामत रहे। आम का पौधा खास तौर से बहुत सेंसिटिव जो है होता है इस मामले में, देख सकते हैं यहाँ पर पत्ते किनारे किनारे से जल रहे हैं, और ये जो भी कारण है ये जो है पानी की अधिकता के कारण हो रहा है, उससे जो है फंगस जो है अटैक हो रहा है और उसी से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो कोशिश करें कि इसमें पानी बिल्कुल ना जमे। और पानी जो है दोस्तों कब जमता है, जब हमारे पॉट बड़े होते हैं पौधे के मुकाबले, तो ऐसे में जो है पानी की समस्या ज़्यादा रहती है। अगर आपके पॉट छोटे होंगे तो पानी जमने की शिकायत नहीं होगी, क्योंकि जो भी पानी उसमें रहेगा तो पौधे को उतनी ज़रूरत होगी तो वो ऑब्जर्व कर लेगा। अगर इस तरह का पौधा है तो ये पौधा अगर मेरे 10 इंच या 8 इंच के गमले में होता तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन उस समय मेरे पास 8 इंच का पॉट नहीं था, तो जो बड़े पॉट थे 12 इंच के लगभग, तो उसी में मैंने लगा दिया था, जिस वजह से कि आम में ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे हर पौधे में नहीं होता, आम हो गया या सेब हो गया इस तरह के पौधे में जो है ये ज़्यादा रहता है, या जो नींबू हो गया तो इसमें जो है ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है कि पानी थोड़ा सा ज़्यादा होते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा। दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम बेर की बात करें तो बेर एक ऐसा पौधा है जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, शहतूत में भी अच्छा खासा जो पानी है उसकी ज़रूरत होती है, तो ऐसे पौधे को आप थोड़ा सा बड़ा भी पॉट हो तो उसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कोशिश करें कि जब भी आप जो है नया पौधा लगाए फल के फ्रूट के या कोई भी पौधा हो तो उसका पॉट जो है छोटा रखें, खास तौर से बारिश के दिनों में जो है इसकी ज़रूरत ज़्यादा हमें होती है, क्योंकि बारिश के बाद फिर डायरेक्ट सर्दी आने लगती है तो उस समय भी जो है पानी नहीं सूखता है, तो इस बात का आपको पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। दोस्तों इस समय जो है देखिए इस वाले अमरूद के पौधे में भी ये अमरूद होना शुरू हो गए हैं, जबकि ये सब पौधे जो है ज़्यादा दिन के नहीं हैं, ये सब जो है अभी तक 6 महीने भी नहीं हुए होंगे ये पौधे मेरे पास आए होंगे और इसमें अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। एक मैं आपको चकोतरा का दिखाता हूँ, मैंने कई बार पहले दिखाया है, देखिए ये जो दो चकोतरा हो रहे काफ़ी बड़े हो गए हैं। मैं अगर इसके साइज़ को पूरा लेकर के दिखाता हूँ तो देखिए कितना बड़ा, जो फुल साइज़ का चकोतरा होता है वैसे ही लगभग जो है हो रहे हैं, और इसका जो पौधा है ये है मात्र देखिए ये जो है 1 से 1.5 फीट भी पूरा नहीं होगा। अगर मैं टॉप पत्ते की बात करूँ नीचे से लेकर के यहाँ से, तो ये मुश्किल से 1.5 फीट का पौधा जो है होगा, और इसी में जो है ये चकोतरा हो रहा है इतना बड़ा बड़ा, तो इसको जो है फिलहाल जो है ये पौधा तो संभाल नहीं पाएगा, तो इस तरह से जो है मैंने थोड़ा सा सहारा दे दिया है ताकि यहाँ पर ऐसे फल है वो बना हुआ रहे। यहाँ पर जो है बेर का पौधा है दो जो है इसमें चल रहे हैं गमले में हमारे, ऐसे तो बहुत सारे बेर के पौधे हैं। और बाकी अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर जो है चीकू का ये पौधा है, और इसमें भी यही कारण है कि पानी जो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है कई बार, तो उसमें जो है फूल कई बार सूख जा रहे हैं, ज़्यादा होने से भी फूल सूख करके गिर जाते हैं, कम होने से भी होता है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि पानी आपका मेंटेन रहे कहीं भी पॉट में ना जमे। दोस्तों इसमें बहुत सारे चीकू थे, अगर ये वाला एक चीकू है इसको मैं तोड़ लेता हूँ एक बार, क्योंकि ये जो है बहुत नरम भी हो चुका है और ये जो है खाने लायक हो गया है, तो पहले भी काफ़ी थे, कुछ तो चिड़िया ने जो है खा लिए, कुछ हमने भी इसमें से तोड़े थे, और अब जो है नए तरीके से इसमें फूल आने की शुरुआत हो रही है। इधर काफ़ी व्यस्तता के चलते देखिए इन फूलों को भी मैं तोड़ नहीं पाया हूँ, ये जो सूखे सूखे फूल हैं इनको हमेशा हटाते रहना ज़रूरी है, खासकर
तौर से बारिश के मौसम में तो आप जो है तुरंत इनको हटा दें। साथ ही साथ जो खरपतवार है दोस्तों, तो अगर आपके पॉट में ज़्यादा पानी जमता है तो खरपतवार का होना भी अच्छा है। ऐसे में जो पानी है वो खरपतवार जो है बहुत हद तक सोख लेती है। तो जिसमें जो है ज़्यादा शिकायत हो रही है कि पानी जम रहा हो और जो है बारिश लगातार हो रही हो, तो ऐसे में इन खरपतवार को आप ना हटाए, इसको रहने दें। लेकिन थोड़ा सा जब आप देखें कि बारिश जो है अब कम होने लगा है, तो ऐसे में इसको आप बिल्कुल साफ सुथरा कर दें ताकि पौधे को पूरी एनर्जी फिर मिट्टी से मिल सके। दोस्तों कई बार जो है हम नया पौधा भी लेकर के आते हैं, तो एक उपाय आप ये कर सकते हैं कि आप अगर बड़े पॉट में उसको लगाना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए मैंने इस पौधे को किस तरीके से लगाया है। ये जो है एक गुड़हल का पौधा है और रोजाना इसमें लगभग जो है फूल खिलते हैं इतने से पौधे में। लेकिन इसको अगर मैं बड़े पॉट में लगाता तो फंगस की समस्या हो जाती क्योंकि पानी जमने लगता। लेकिन मैंने क्या किया, देखिए जिस टब में ये था उसी टब में ही मैंने रहने दिया और इसी टब समेत मैंने एक बड़े गमले के अंदर इसको जो है दबा दिया। तो धीरे धीरे इस तरह से पौधा जो है बढ़ता भी जा रहा है, इसको एनर्जी भी पूरी मिल रही है। और इस तरीके से जब थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा, जब मौसम सही हो जाएगा, तो मैं इसको जो है फिर इसमें से निकाल करके फिर इस बड़े टब में कर दूंगा। तो ये उपाय भी जो है आप अपना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ फलों के पौधे को और आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए मैंने कितने छोटे छोटे पॉट में कर रखा है। जिस समय आए थे तो मैंने छोटे छोटे पॉट में इनको कर दिया था। ये जो है 6 इंच के पॉट है, कोई कोई 5 इंच का भी है, तो उसी में वैसे ही मैं अभी रहने दे रहा हूँ। इसमें कोई भी जो है मैं ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ। छोटे पॉट में करने से फ़ायदा ये हुआ कि ये पौधा जो है जितनी भी बारिश क्यों ना हो उसमें नहीं मरता है। सारे के सारे पौधे देखिए मेरे बहुत ही अच्छे कंडीशन में हैं। कारण यही है कि नीचे आप जो भी देख पा रहे होंगे, ये 6 इंच के पॉट है, कोई 7 इंच का पॉट है, तो पौधे का जो साइज़ है उसी के हिसाब से मैंने जो है यहाँ पर पॉट इनको दिया है। एक चीज़ दोस्तों, जब यहाँ पर मैं आ ही गया हूँ तो मैं यहाँ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जैसे इस तरह से जो ग्राफ्टेड एरिया होता है, इस तरह से पॉलीथीन बंधी हुई होती है, तो नर्सरी से जिस समय आए उसमें आप देख ले कि जो है पॉलीथीन अगर इस तरह से अंदर की ओर धस रहा हो, यानी कि पौधे की मोटाई बढ़ गई है, तो ऐसे में आप पॉलीथीन को निकाल दें या तो कुछ समय जो है आपके पास रहने दें, लगभग 1 महीना, और इसको थोड़ा सा वेट करें कि पौधा थोड़ा सा मोटाई ले। जब पॉलीथीन अंदर की ओर धंसने लगे तो ऐसे में इसको जो है ब्लेड से आराम से आप काट करके निकाल दें, कहीं ये पौधे के अंदर ना चला जाए। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें तो बहुत अच्छे से ये पौधे जो है ग्रोथ करेंगे। यहाँ पर मैं अगर जैसे दिखाऊं कि इस पोर्शन में भी ऐसे ही जो है अंदर की ओर चला गया है। देखिए पॉलीथीन में ध्यान नहीं दे पाया था, काम में व्यस्त था, तो ये जो है अंदर पॉलीथीन जो है चली गई है। तो अब जो है इसको निकालने की ज़रूरत है, तो तुरंत मैं कोशिश करूँगा कि आज नहीं तो कल ज़रूर इस पॉलीथीन को मैं हटा दूँगा। इधर जो है हमारा कंस्ट्रक्शन का काम होना था। यहाँ आप देखते थे एक छत, तो वो पूरी छत जो है अब तोड़ चुके हैं। वो जो है जगह पूरी हमारी साफ सुथरी हो चुकी है, तो इस जगह पर पूरा का पूरा जो है नए कंस्ट्रक्शन का काम होना है। उसी के बाद जो है ये गार्डन सेटअप हो पाएगा। दोस्तों इस जगह पर भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो खैर मेरी तो मजबूरी है, लेकिन आप लोग जो है इतने घने घने भी मत रखिएगा, और अगर रख रही हैं तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि पानी कहीं भी ना जमे, और इसके लिए छोटे पॉट का यूज़ कीजिए। और इसमें जो है थोड़ी सी निराई गुड़ाई कीजिए जिस समय भी मौसम जो है थोड़ा सा सूखा हुआ हो, ताकि मिट्टी जो है इसमें सूख जाए। और बरसात के दिनों में पानी देते समय खास ध्यान रखें, कोई जो है पॉट गीला होता है, कोई सूखा होता है। जैसे इसकी मैं बात करूं तो देखिए ये जो है बिल्कुल गीला गीला सा है, जबकि इधर वाले की मैं बात करूं तो इधर जो है सूखा सूखा है। और इस तरह से होते रहता है, कोई पॉट गीला तो कोई पॉट सूखा। तो पानी जो है केवल सूखे हुए पॉट में ही दे, और बहुत ज़्यादा देने की भी ज़रूरत नहीं है। गीले पॉट में आप कभी भी पानी ना दे। दोस्तों अब जो है मैं इस साइड को भी थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि इस साइड में किस तरीके से मैंने रखा है। देखिए यहाँ भी जो है इस तरह से घने घने पॉट हो रहे हैं, बहुत एक जगह हो रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा जब होते हैं तो कई बार दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है लगातार बारिश होने से। तो बीच बीच में पॉट को इधर उधर जो है करते रहना ज़रूरी है, उससे अच्छा रहता है, बजाय इसके कि एक जगह जो है
बहुत दिनों तक रहे। दोस्तों, बारिश के समय आपके जो छोटे छोटे पॉट है तो वो थोड़ा सा इधर उधर हिलाते रहे, ताकि नीचे अगर पानी जमा हो छत पर तो वहाँ जो है थोड़ा सा हवा लग करके वो सूख सके। और जितने भी पॉट है जो कि बड़े साइज के हैं, वो अवश्य ही थोड़ा सा ईंटों के ऊपर रखने की कोशिश करें, या थोड़ा सा छत के जो सरफेस है उससे ऊपर रखने की कोशिश करें। तो ऐसे में जो है बारिश के पानी से आपके छत को भी कोई नुकसान नहीं होगा। लोड से कभी भी कोई नुकसान छत को नहीं होता है, लेकिन जब भी पानी जो है जमने लगता है, नीचे से पानी नहीं सूखता, तो ऐसे में छत में सीलन आने का खतरा रहता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि पानी जो है नीचे बिल्कुल भी ना जमने पाए। तो जितने भी बड़े टब है, यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि थर्माकोल के जो भी पेटियाँ हैं लगातार लगे हुए हैं, लेकिन नीचे से बिल्कुल खाली है, यानी कि नीचे के एरिया में सब जगह जो है मैंने ईंटों से इसको कवर कर रखा है। आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो देखिए, ये जो है सरफेस से जो है काफ़ी ऊंचा है, कम से कम जो 4 इंच की ईंट होती है तो उसी के ऊपर है, तो नीचे से जो पानी है वो हमारा निकल जाता है। लेकिन जब हम इस तरह के गमलों को रखते हैं तो गमलों के नीचे थोड़ा बहुत होता है, तो थोड़ा बहुत अगर इधर उधर आप करेंगे बारिश के मौसम में, जब लगातार बारिश हो रही है, तो ऐसे में जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ख़ास तौर से थोड़ा सा बड़े टाइप के जो टब रहते हैं तो हल्का फुल्का थोड़ा सा आप इधर उधर कर सकते हैं, थोड़ा सा खींच करके भी कर सकते हैं, जिससे कि तली का जो पानी है वो सूख जाए। तो उम्मीद है दोस्तों आज का जो ये वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, और आप जो है हमारी बगिया यूट्यूब चैनल के साथ बने हुए रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।